वही बड़ी खबर इस वक्त की, रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर, मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा था। फिलहाल रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा दी है। 1 साल की सजा हुई है रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की। मुश्किलें बढ़ती हुई रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा दी है। आपको बता दें कि 1988 से यह मामला लगातार चल रहा था, जिसमें रोड रेज के आरोप जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर थे। इस मामले में अब नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट ने सजा देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल हुई है रोडरेज केस में, कोर्ट ने यह सजा दी है। 1988 में रोडरेज की यह घटना सामने आई थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगे थे और उसके बाद से लगातार यह मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा रहा, आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को इसमें दोषी साबित कर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा मुकर्रर की है। तो 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को मिली है रोडरेज मामले में, उन्हें जिस तरीके से दोषी पाया गया, और वहीं 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनाई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल की जेल उन्हें हो गई है रोडरेज केस में, कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। 1988 में यह रोडरेज की घटना सामने आई थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू आरोपी थे। वहीं लगातार पूरे मामले की सुनवाई के बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से पहुंचा, इसमें उन्हें दोषी पाया गया और 1 साल की सजा फिलहाल कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 1 साल की सजा उन्हें दी गई है।